व्हाट इज नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ वी डिटरमिन वेदर अ सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये तीन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो पहली बात तो यह है कि आपको पता है हमने बात की कि एक स्टेशनरी सीरीज या कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज क्या होती है, जिसका मीन कांस्टेंट होता है, वेरियंस कांस्टेंट होता है, और कोवेरियंस जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं होता। टाइम का फंक्शन ना होने का मतलब यह है कि अगर मैं कोवेरियंस ले लूं बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस वन, और कोवेरियंस ले लूं बिटवीन कोवेरियंस ऑफ वाई टी माइनस 11 एंड कोवेरियंस ऑफ वाई टी माइनस 12, तो यहां क्या हुआ कि जस्ट आपने ओरिजिन शिफ्ट किया, तो अगर ये कोवेरियंसेस मोर और लेस इक्वल होंगे तो इसका मतलब यह है कि जस्ट लैग की वजह से फर्क पड़ रहा है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये कोवेरियंसेस जो है वो चेंज हो जाए ओवर टाइम, इसका मतलब यह है कि ये आपके पास जो है वो प्रोसेस नॉन स्टेशनरी है। तो इस पे बात करते हैं, व्हाट इज नॉन स्टेशनरी, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ वी डिटरमिन वेदर अ सीरीज इज स्टेशनरी या नॉन स्टेशनरी, दीज आर थ्री क्वेश्चंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। तो मैंने अभी जैसे बात की थी जस्ट इससे पिछले वीडियो के बिल्कुल लास्ट मिनट्स में कि आपके पास नॉन स्टेशनरी का मतलब यह है कि देर इज नो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो आपके पास प्राइस अर्निंग रेशियो की मैंने बात की थी, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इन पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर उसमें लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज अपनी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो अपने मीन को रिवर्ट नहीं करती। तो वेरियंस इज टाइम डिपेंडेंट का मतलब यह है, रेंडम वॉक मॉडल जो होता है वो वेरियंस टाइम डिपेंडेंट है कि जितना टाइम बढ़ता जाएगा वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो थ्योरेटिकल ऑटो कोरिलेशन डू नॉट डिके, तो जैसे अभी हमने एसीएफ और पीएसीएफ की बात की थी कि आपके पास वो डिके नहीं होते। तो लेट्स वी हैव दिस वाई टी, और ये वाई टी जो है ये बेसिकली क्या चीज है, ये टाइम ट्रेंड मॉडल है, क्योंकि यहां पे ये जो टाइम है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, वी नो कि इस टाइम ट्रेंड की वैल्यू जो है क्या है। तो ये जो मॉडल है ये डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेंडम फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे ये जो मॉडल है वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, दिस इज योर रेंडम वॉक मॉडल। वाई इट्स रेंडम वॉक मॉडल कि यहां पे जो इसका कोएफिशिएंट है बी वो इक्वल टू वन है, और ये आपके पास हमेशा एक, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने जो है वो देखी है पीछे भी, तो ये आपके पास जो है वो इसका वेरियंस जो है वो कॉन्स्टेंट ओवर टाइम नहीं है। दिस इज योर रेंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, अगर म्यू जो है पॉजिटिव होगा तो सीरीज हमेशा इंक्रीज करती रहेगी, और अगर नेगेटिव होगा तो सीरीज जो है वो उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो रेंडम वॉक इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट प्रोसेस, आपके लिए सवाल है, एक मिनट के लिए वीडियो रोक के आप सोचें कि जी ये रेंडम वॉक मॉडल जो है किस का स्पेशल केस है। तो बेसिकली रेंडम वॉक मॉडल जो है ये ए आर प्रोसेस का स्पेशल केस है, ए वन वाई टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। तो आप देखिए ये यू टी, तो ये देखिए कि रेंडम वॉक मॉडल जो है ये आपके पास ए वन अगर वन हो जाए तो ये रेंडम वॉक मॉडल बन जाता है, इसको हम ड्रंकर्ड वॉक भी कहते हैं, और इसमें सीरीज अपने वापस इक्विलिब्रियम को टच करती है, बट नो वन नोज हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इन ये सीरीज हम कहते हैं नॉन स्टेशनरी है। तो व्हाट इज नॉन स्टेशनरिटी, तो उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके पास रेंडम वॉक मॉडल आ गया, तो आप देखिए तो इस रेंडम वॉक मॉडल में आपके पास जो है वो सीरीज का मीन जो है वो ओवर टाइम कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा, मीन चेंज हो रहा है ओवर टाइम। तो ये आप देखें तो मीन चेंज हो रहा है, आप जब भी डिफरेंट इंटरवल्स में जब वैल्यूज आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो इट्स चेंजिंग ओवर टाइम। ये जो एक्सेल की शीट है उसमें ये सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, आपने इन सारे प्लॉट्स को खुद से देख लेना है। ये देखिए ये सीरीज जो है ये बेसिकली रेंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है, यहां पे म्यू टू था उसने उसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्राइव किया,
तो इस सीरीज में और ट्रेंड्स जो अभी सबसे पहले वाली हमने ये देखी है, इसमें ये जो सीरीज है इन दोनों में काफी कंफ्यूजन हो सकती है. तो रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट एंड रैंडम वॉक विद टाइम ट्रेंड मॉडल, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन हो सकती है, तो हमें इन्हीं चीजों को देखना है. सेकंड अब क्वेश्चन हो गया, ये तो हमें पता चल गया व्हाट इज नाउ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. तो ये बेसिकली हम देखते हैं अभी. और फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा रह जाएगा कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं एक सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है. तो एक तो ये शॉक्स डोंट डाई आउट, स्टेटिस्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शॉक आया था तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले टाइम पीरियड में उसी तरह से कैरी हो गया, उसका फुल इम्पैक्ट कैरी हुआ. अगर ये कोएफिशिएंट रैंडम वॉक का वन ना होता तो आप देखते तो यहां पे ये इसी तरह से ये फिर एप्सिलॉन टी, यानी कि जो शॉक आपके पास टाइम पीरियड टी में आया वो काफी टाइम गुजरने के बावजूद भी अभी कैरी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम वॉक मॉडल. तो आप इसको जो है वो अभी हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं. तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन रैंडम हो जाएगी, वो नॉन नॉर्मल हो जाएगी. तो उससे आपकी जितनी भी रूटीन की आपकी स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, जो आप कहते हैं जी टी की ये वैल्यू होती है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% वी आर कॉन्फिडेंट इट इज विद इन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड एरर्स, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ उस केस में वैलिड होती हैं जब आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. एंड यहां पे मैं एक बात कह दूं, वैसे ज्यादातर सोशल साइंसेस का डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, लेकिन बस हम इस चीज को ज्यादा सोचते नहीं है, तो इसलिए हम इकोनोमेट्रिक्स को एक जो है एक जस्ट कोई मैकेनिक समझ के, मैकेनिकल टूल समझ के अप्लाई करते रहते हैं, जो कि एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन चले हम इन डिटेल्स में यहां पर नहीं जा सकते, जब क्लासेज इंशाल्लाह रिज्यूम होंगी तो वहां पर हम ये बातें करेंगे. तो उससे क्या होता है, जो ए आर कोएफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि वो जो आपने ए वन हैट निकाला तो वो आपके पास बायस हो जाएगा. तो ये बायस हो जाएगा, और जब ये बायस हो जाएगा तो ये फोरकास्ट वाई टी प्लस वन, जब फोरकास्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाई टी, तो वाई टी में बायस है तो वाई टी प्लस वन में भी बायस होगी. वाई टी प्लस वन की बेस पे वाई टी प्लस टू होना है, तो वो बायस जो है वो सिस्टमेटिक एरर जनरेट करती जाएगी, जिससे आपके पास जो है वो जो फोरकास्ट है वो पुअर होगी और सिस्टमेटिक एरर होगा उसमें. तो दो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिए. तो एक कंसीडर जनरल ए आर एम ए आर वन मॉडल, मैंने एम ए वन मॉडल की पहले भी बात की थी कि वो हमेशा प्रोसेस जो है वो स्टेशनरी होता है, लेकिन ये ए आर प्रोसेस जो है इसको एम ए में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर मैं यहां से वन माइनस इसको मैंने इसको यूं भी लिखते हैं, वाई टी इक्वल टू बेटा बी एल वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी. तो ये एल जो है ये लैग ऑपरेटर है. अगर एल स्क्वायर होगा तो इसका मतलब वाई टी माइनस टू होगा, अगर एल क्यूब होगा तो इसका मतलब वाई टी माइनस थ्री होगा. तो ये हम जनरल लिख टर्म में लिख देते हैं इसको इस फॉर्म में. तो इसको एमए में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो आपके पास जो है अगर इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें तो आप देखिए, तो यहां से वाई टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से वाई टी आपके पास आ जाएगा बी बी वाई टी माइनस टू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे प्लस एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी. जब वाई टी माइनस टू को फिर रिप्लेस करेंगे तो आप देखते जाएंगे कि ये बेसिकली एंड पे बन जाएगा बी रेस टू पावर टी वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन टी प्लस बी एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस बी स्क्वेयर एप्सिलॉन टी माइनस टू एंड सो ऑन. तो अब आप देखिए, अगर b 1 हुआ तो इसका मतलब है वो शॉक जो है वो कैरी हो रहा है. अगर ये b की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है वो शॉक जो है वो एज इट इज फुल इम्पैक्ट इसका कैरी हो रहा है.
तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आप जो है वो रेंडम वॉक मॉडल होगा तो वो डिके नहीं करेगा, उसके शॉक्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आएगा। तो ये देखिए अगर b लेस देन 1 होगा तो ये b रेस पर t जो अभी हमने बात की थी कि y t इक्वल टू b रेस पर t y नॉट, तो अब अगर y नॉट, तो अब अगर b लेस देन 1 होगा तो नेचुरल है कि b 0.5 या 0.7 रेस पर 15, तो वो तो इतना क्लोज टू जीरो है कि दिस टर्म विल डाई डाउन, बाकी आ जाएगा एप्सिलॉन t प्लस, ये देखिए अगर b 0.5 हुआ तो अगला क्या आ जाएगा 0.5 टाइम्स एप्सिलॉन t माइनस 1, और नेक्स्ट आ जाएगा 0.5 स्क्वायर टाइम एप्सिलॉन t माइनस 2। तो देखिए शॉक अब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर ये आपके पास कोएफिशिएंट जो है 0.5 की बजाय 1 हुआ तो ये शॉक अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो ये आप ऐड करते जाएंगे तो ये वाला प्रोसेस बन जाएगा वाई टी इक्वल टू वाई नॉट प्लस आई जीरो टू टी माइनस 1 एप्सिलॉन टी माइनस आई। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये यही वाली सीरीज बन जाएगी विद बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि शॉक परसिस्ट करता है, दिस इज क्योंकि वो शॉक अगले टाइम पीरियड में फुल इंपैक्ट कैरी होता है, उससे अगले में फुल इंपैक्ट कैरी होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो प्रोसेस है ये लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस है, जो स्टेशनरी प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ये शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस है। स्टेटिस्टिकल अब अगली बात आती है कि ये तो हमने देख लिया कि जी आपके पास तीन चीजें आ गई हैं कि एक नॉन नॉर्मल हो जाते हैं और बायस आ जाती है और आपके पास जो है शॉक परसिस्टेंस होती है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो यूजुअल होते हैं वो भी ठीक नहीं रहते। तो ये तीन बातें हो गई, 1, 2 एंड 3, दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन स्टेशनरी सीरीज। तो ये आपके पास हाई आर स्क्वायर आएगा, आपको लगेगा मॉडल गुड फिट है, अगर आप दो अनरिलेटेड सीरीज जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी है जिसमें मैंने आपको एक्स और वाई दो सीरीज दी है, ई एक्स भी दिया, तो आपको आपने देखा हाई आर स्क्वायर आएगा, टी स्टेटिस्टिक्स जो है वो लगेगा सिग्निफिकेंट है, लगेगा वाई और जी में एक लॉन्ग रन इक्वल जो है वो रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। नेवरदलेस अगर आप y को z पे रिग्रेस करें और आपके रेजिडुअल्स जो है वो iid हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पे को इंटीग्रेशन है, जो कि अभी हम ठहर के बातें करेंगे। सिमुलेशन सिमुलेट टू रेंडम वॉक मॉडल्स, ये मैंने आपको सिमुलेट करके दिए हुए हैं, आपने प्लॉट करना है, आपने उनके आर स्क्वायर और रेजिडुअल्स को प्लॉट कीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू असाइनमेंट फॉर दिस। तीसरा क्वेश्चन है कैसे टेस्ट करें कि एक सीरीज नॉन स्टेशनरी है या नहीं है, तो यहां तक की बात को मैंने बार बार रिपीट किया है, प्लीज वॉच दीज वीडियोज, थोड़ी सी जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स बहुत बेसिक सी है इक्वेशंस की इन वीडियोज में उसको कीजिए, तो आई शेल शो यू हाउ टू टेस्ट फॉर यूनिट रूट। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि हम नॉन स्टेशनरी सीरीज प्रोसेस को कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एच नॉट बी इक्वल टू 1 है या एच नॉट बी लेस देन 1 है। अगर ये बी लेस देन 1 हुआ तो प्रोसेस क्या होगा, स्टेशनरी होगा, और अगर ये प्रोसेस बी इक्वल टू 1 हुआ तो अभी आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से चेक कीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्टेशनरी है। तो ये आप अगर इसको जनरलाइज करके 1 माइनस बी जेड ये, तो ये आपके पास इस फॉर्म में एक चीज आ जाती है, तो अगर ये रूट्स जो है कोई भी एक रूट जो है 1 के इक्वल हुआ तो हम क्या कहते हैं, प्रोसेस जो है वो यूनिट रूट है। ये आपके पास अगेन एच नॉट बी इक्वल टू 1, या फिर ये है कि दोनों साइड से आप जो है वाई टी को सब्ट्रैक्ट करें, वाई टी माइनस 1 इक्वल टू बी वाई टी माइनस 1 माइनस वाई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। तो अब आप इसको देखिए, इसको आप ये डिफरेंस है, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई टी इक्वल टू, यहां पे वाई टी माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो ये लिखा जाएगा बी माइनस 1
वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो ये वाली डेल्टा वाई टी इक्वल टू साई, तो साई हम वैसे रो यूज करते हैं, तो यहां पे साई यूज है तो हम साई यूज कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये प्रोसेस जो है, मैं इसको एक मिनट ड्रॉप कर दूं, तो अगर साई जो है वो जीरो हुआ तो हम कहेंगे प्रोसेस क्या है, नॉन स्टेशनरी है लेवल पे। ये बेसिकली वाई टी है, ये वाई टी माइनस वन है, तो प्रोसेस हम कहेंगे नॉन स्टेशनरी है। अगर ये साय जो है वो आपके पास जो है वो लेस देन वन हुआ, लेस देन जीरो हुआ, तो हम कहेंगे प्रोसेस स्टेशनरी है। ये प्रोसेस किया डिकी फुलर ने, डिकी और फुलर ने ये टेस्ट डिवाइस किया। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्शन आया कि ये जो आपके एप्सिलॉन टी हैं ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज को एड्रेस करने के लिए डेल्टा वाई टी के लेग्स जो है यहां पे डाल दिए। तो जब वो डेल्टा वाई टी के लेग्स यहां पे इस इक्वेशन में डाले तो आपके पास जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन की शेप थोड़ी सी चेंज हुई, और उसको हम कहते हैं दैट इज ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, उस पर बात आएगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मैं यहां से ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट से नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।